अपने खाने में आप कौन सी सब्जियां खाते हैं? कटहल, मसालेदार बैंगन, आलू गोभी की मसालेदार सब्जी, दम आलू, बेसन के मसालेदार गट्टे की सब्जी, भरवा भिंडी, ऐसी सब्जियां मिल जाए तो खाने का मजा ही आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी सब्जियां आपकी किडनी को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? आपके क्रिएटिनिन को बढ़ा सकती हैं, जिससे आपको बॉडी में कई सारी बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी सब्जियां जो आपको दूर रखेंगे हाई क्रिएटिनिन की समस्या से। हाई क्रिएटिनिन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब आप खाने में बदलाव करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके शरीर में होता है। अब आप अपने खाने में क्या लेते हैं और क्या नहीं, ये आप पर निर्भर है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अच्छी चीजों को शामिल करें। किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सही डाइट और अपनी जीवन शैली में सुधार करने की सलाह देता है। तो चलिए जानते हैं हाई क्रिएटिनिन के लिए कौन सी सब्जियां खाना फायदेमंद होता है। आप अपने खाने में Q9 सब्जियों को शामिल करें, जैसे घिया, टिंडा, तोरी, परवल, कद्दू, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, उबले आलू और गाजर। ये सभी सब्जियां आपको न सिर्फ हाई क्रिएटिनिन से दूर रखती हैं, बल्कि आपकी किडनी सहित आपके सभी अंगों को भी प्रभावित करती हैं। रोज रोज घिया खाना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, रोज टिंडा कौन खाए, परवल हर कोई पसंद नहीं करता और तोरी तो कई लोगों को देखकर ही खाने का मन नहीं करता। लेकिन जिंदगी भर बिना तेल मसाले वाला खाना खाने से बेहतर है कि आप इन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे आप बढ़ते क्रिएटिनिन से दूर रहें। क्रिएटिनिन ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा के अनुसार खाने में ऐसी सब्जियों का सेवन अच्छा होता है जो आपका पेट सही तरह से पचा सके, क्योंकि जब आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो इससे आपकी किडनी भी ठीक रहेगी। और पाचन तंत्र तभी ठीक होगा जब अपनी डाइट में इन सब्जियों को आप शामिल करेंगे। अगर आप रोज रोज इन सब्जियों से बोर हो जाते हैं तो क्यों ना आप इन सब्जियों के खाने का तरीका ही बदल दें। आप घी की सिर्फ सूखी सब्जी क्यों बनाते हैं? आप घी की रसदार सब्जी बना सकते हैं, या फिर आप इसका भरता बनाकर भी खा सकते हैं। ऐसे ही आप तोरी की सब्जी को हल्का रस वाला बनाकर चावल के साथ खाएं और इसमें दही डालकर तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि आप प्याज को सब्जी में ही डालकर खाएं, आप प्याज की भरवा रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। उबले आलू की सूखी सब्जी दही के साथ, रस वाली सब्जी चावल के साथ भी खाना बड़ा ही मजेदार लगता है। इसके अलावा गाजर को सलाद के रूप में खाएं या फिर मिक्स वेज ही बना लें, ये भी खाने में स्वादिष्ट लगेगी। तो देखा आपने, बेवजह ही आपको ये सब्जियां बोरिंग लगती थी। बस अपने खाने का तरीका बदल लें तो इससे आपके रोजाना के आहार में बदलाव हो जाएगा। किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का अच्छा और बेहतर उपाय मिलता है। तो माने आयुर्वेद का कहना और जीवन भर स्वस्थ रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है पेशेंट का? भवदीप सिंह जी, श्री गंगानगर राजस्थान से। और जब वो शुरू में आए थे तो उनको जैसे पैदल चलते थे या उसको कोई थकान वगैरह ज़्यादा आती थी, और उसमें क्रिएटिनिन भी 3.7 से ऊपर था, और वर्तमान में वो क्रिएटिनिन 2.5 है, और अब उसको हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हुआ है। वैसे अदरवाइज उसको कोई समस्या नहीं है चलने फिरने में, और जैसे कोई कार वगैरह ड्राइविंग करते हैं ज़्यादा, जैसे 80-90 किलोमीटर, तो उसको थोड़ी बहुत थकान आती है। मार्च में कितना था आपका क्रिएटिनिन? मार्च में 4 कुछ था जी। अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं जी, अब कोई दिक्कत नहीं है जी।
अब तो केवल हीमोग्लोबिन की गई। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।